Awesome. अब प्रोग्राम में बढ़ते हैं एक ऐसे सेगमेंट की तरफ जो आप सबको बहुत पसंद आएगा, और वो सेगमेंट है एक ऐसा शानदार सेगमेंट के जिसमें हम आपको दिखाएंगे किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट में हम आपको बताएंगे सियासी तरकीबें, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी खाने पीने के वैसे भी बहुत शौकीन हैं। तो चलते हैं किचन कैबिनेट में और देखते हैं कि एक सेनेटर कैसे तैयार होता है। This is your host Sara Baloch. आज के हमारे शो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो सियासी मैदान के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। कोई हुकूमत आए या जाए, ये वही चिपके रहते हैं और हर हुकूमत का हिस्सा बने रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मौलाना साहब की। Let's welcome मौलाना साहब। Hi. हमको किसी की हार नहीं लगी मेरा बहन, हम बस ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आपका बावर्ची खाना बड़ा हसीन है, बड़ा खूबसूरत है। हमारा दिल करता है कि इसका एक नाम रख दें। वो क्या? चटा चट पकवान हाउस। बट दिस इज अ किचन। हाँ, किचन है या चिकन है, जो भी है, बहरहाल हम आपको यहाँ ऐसा जबरदस्त पकवान बना के दिखाएगा जिसका नाम है सियासी पकवान। ये बताइए कि आज की डिश के लिए क्या क्या अज्जा दरकार है? सबसे पहले तो हमको एक अदद पतीला चाहिए। वो मैं आपको देती हूँ, ये लीजिए पतीला। ये पतीला है या पतीले की बेटी है, पतीली लगती है। देखो, सेनेटर दम पुख्त है। सेनेटर दम पुख्त एक कम से कम 10 करोड़ के पतीले में पकता है। करोड़? 10 करोड़? हाँ, हमको जरा 10 करोड़ वाला पतीला दो। हमको ये पतीला बिल्कुल नहीं चाहिए है। ये चलेगा। ये पतीला बिल्कुल ठीक है, 10 करोड़ का है। तो आप जरा चूल्हे के पास आओ और इसको चूल्हे पर रखो, क्योंकि हम जरा आग वाग से थोड़ा दूर रहता है। हाँ जी, और क्या चाहिए? अब हमको चाहिए इसमें 3 करोड़ का पानी, यानी 3 गिलास पानी। 13 करोड़ हो गई तो? हाँ, ये बड़ा जबरदस्त डिश है, आप खाओगे तो बस हाथ नहीं रुकेगा। तो अब आप इसके अंदर हम डालते हैं, देखे इसको उठाया, आप तो नाजुक नाजुक हाथ वाला है। हम कहा है ये? ये देखिए, ये गया 1 करोड़ रुपया। मैं बाहर आ जाऊं क्या? आप आ जाओ, किधर भी जाना है जाओ, बाहर जाना है तो बाहर चले जाओ। नहीं नहीं, अंदर। अच्छा, देखो ये 1 करोड़ का एक और पानी आ गया गिलास। 2 करोड़। और फिर उसके बाद हमने नाप तोल के बिल्कुल 1 करोड़ का एक और पानी हमने गिलास डाल दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे 13 करोड़। हाँ, अब आप उठाएंगे इसमें से प्याज। प्याज? और अब इस प्याज को ऐसा काटना है कि इसको काटते हुए इतना आंसू आए जैसे हमारा जवान साहिबा का, डॉक्टर जवान साहिबा का इस्तीफा वापस दे दिया था आंसू देख। तो आप काटेंगे कि हम काटेंगे? मैं काटे नहीं, काटने का काम हमारा होता है, इतना आसान है इसको काटना। ये देखिए, ये पकड़ा है इसको और ये करके अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये गया। और अब इसके हम डालेंगे, बड़ा ही लाजमी इसका एक जुज्व है, और वो जुज्व है हमारे लिए बड़ा फेवरेट, सालम मुर्गा हम खाता है, ये बालिग मुर्गा कटा हुआ है। मुर्गा 5 करोड़ रुपए का। 5 करोड़ रुपए? 5 करोड़ रुपए का मुर्गा। कभी आप इसमें डाले टांग, कभी आप इसमें डाले सीरे का पीस। कितना हो गया भाई? 19 करोड़ रुपए का हो गया है। 5 करोड़ का मुर्गा हमने डाल दिया है, इसमें 2.5 करोड़ का बचा है। अगर हमने इसको बहुत लजीज बनाना है तो हम 2.5 करोड़ का इसमें और डाल देता है। अब कितना हो गया? 19, 20, 21 करोड़। 21 करोड़ हो गया जवाब, दुरुस्त है। अब इसको जो है हम चमचे से थोड़ा, अरे ये चमचा भी बड़ा स्पेशल है। अच्छा? ये चमचा कभी इस पार्टी में जाता है, कभी उस पार्टी में जाता है, और इसकी जो कीमत है वो है 7 करोड़। 7 करोड़? बहुत जबरदस्त चमचा है और ये मशहूर है। वैसे तो आजकल लोटा भी मशहूर है, लेकिन इस चमचे का कोई जवाब नहीं हो गए पूरे 26 करोड़। अब हम इसमें डालेंगे जी पूरा 1.25 करोड़ का मिर्ची। 1.25 करोड़ नहीं, कर देते हैं इसको 1 करोड़ का। ज़्यादा आसान करोड़ का, आपका हिसाब किताब मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा, पूरे 27 करोड़। 27 करोड़ जवाब दुरुस्त हुआ है। और ये हमने इसको काटा है, और अब देखिए हम इसको कैसे डालेंगे अंदर। ये देखिए, ये हमने इसको ऐसा काटा है, साफ साफ एकदम। नाना साहिब, सियासत के साथ साथ मैं कहती हूँ कि क्या है पकवान की आपकी। और अभी देखिए एक और चीज दिखाता है आपको, स्पेशल कटिंग होता है। ये बहुत पतला मिर्ची है, पतला मिर्ची।
और ये सबसे तीखी होता है। तीखी मिर्ची? इसको हम तकरीबन कोई 2 करोड़ का लगाता है। इतनी सी? हाँ, ये तेज है ना बहुत। अच्छा। तो कितना हो गया? 27 करोड़। अभी देखो, हम इसको जूलियन कटिंग करता है। 29 करोड़। जूलियन कटिंग करता है यानी ऐसा सीधा रखा, ऐसा घुमाया, ऐसा किया और उसके बाद ऐसा कर दिया। ये देखिए, ये 2 अदद टुकड़े हो गए। इससे काम चलता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो बाकी का भी इसके अंदर डाल देते हैं। आपको तो कुकिंग के सारे टर्मिनोलॉजीज भी आती हैं। अरे भाई, हम मौलाना हैं और बहुत माशाल्लाह हमारा गहरी निगाह है। मस्का लगेगा इस घी से। वैसे तो हमको तेल चाहिए था, लेकिन तेल इतना महंगा हो गया है कि तेल लेने जाओ तो अपना तेल निकल जाता है। मुझे भी आने में इसलिए देर हो गई। हम पखाने के तेल की बात कर रहा है बीबी, गाड़ी के तेल की बात नहीं कर रहा है। बस आप सही कह रही है। अब ये मस्का आपने पकड़ा है और ये घी जो है आपने, देखिए ये मस्का अब जो है हम इस पे 1 चम्मच लगा रहे। ये कम अज कम 10 करोड़ रुपए का होना चाहिए। 10 करोड़? हाँ, क्योंकि अगर आपको घी सही लगाएंगे तो इसमें जो है मस्का जो है सही लगेगा, और अगर मस्का नहीं लगाया तो फिर सेनेटर नहीं बनेगा। यानी के पूरे 37 करोड़। हाँ, 37 करोड़ हो गया है, यानी 37 करोड़ हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे इंग्रेडिएंट यानी अज़ाए तरकीबी। अब आप देखिए, इसके अंदर है 1 करोड़ रुपए का नमक। 1 करोड़ रुपए का? फिर करोड़? हाँ भाई, करोड़ों का डिश है, लेकिन बहुत जबरदस्त, बहुत मजे का। आप इंतजार कीजिए। अब हमने 1 करोड़ रुपए का नमक लिया है और हर एक के ऊपर छिड़क दो। एक के ऊपर नमक छिड़को। नमक पाशीख करो, नमक पाशीख। बहुत मजा आता है नमक पाशीख करने में। अच्छा, अब हम लाल मिर्च लेगा, और ये लाल मिर्च भी कम से कम आपको 1 करोड़ का चाहिए, बल्कि 2 करोड़ का चाहिए। 2 करोड़ का चाहिए क्योंकि ये ऐसा तीखा होना चाहिए जैसे हमारे जट मिर्जा साहब है। बहुत कसम खाता है भाई वो बहुत। अब देखिए, इसको भी आपने उन नमक के ऊपर आपने चिरक देना है। पूरे हो गए 39 करोड़। अब ये बिलबिला रहा है। ये मुर्गा जो है बिलबिला रहा है, तड़प रहा है। और मस्का जो है अब आपने फिर थोड़ा सा उठाया है। हमने पहले 10 करोड़ का मस्का लगाया है, अब हम इसमें फिर 5 करोड़ का मस्का लगा रहे हैं। यानी कि मस्का बहुत जरूरी है। मस्के के बगैर तो भाई कुछ भी नहीं होता है। सेनेटर दम पुख्त कैसे बनेगा मेरा बहन? ये आपने मस्का लगा दिया। अब आखिरी चीज इसका अज़ा तरकीबी में है, हल्दी। और इसमें रंग आता है, जैसे हमारे चेहरे खिल जाते हैं। तो इसलिए कम से कम 5 करोड़ का तो होना चाहिए मेरा बहन। 5 करोड़ का आपने इसमें लगा दिया है। अब आप इसको मैरिनेट करें। मैरिनेट समझते हैं, यानी खुश खुश होके नेट करें। इसको आपको 3-4 घंटे के लिए रख देना है। 3-4 घंटे? लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। हाँ। तो हम दिखाने के लिए, बताने के लिए इसको हम फिर अब इसके अंदर कोरम पूरा करेगा। वाँ वाँ। और आप ख्याल रखिएगा कि कोई चीज निकल के भाग ना जाए। क्योंकि अगर भाग गया कोई तो फिर कोरम जो है वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि 100 तो चाहिए होते हैं। मौलाना साहिब, ये लीजिए, हमने कर दिया है। और अब बड़ा जबरदस्त इसमें एक अच्छा तरकीब भी बन रहा है। वो है लहसुन के 2 जुए। 1 करोड़ रुपए का 1 जवा है और 2 करोड़ रुपए का 2 जवा है। जुआ नहीं मेरा बहन, लाहौल वाला खुआ। तौबा तौबा, हम ये गंदी चीजें नहीं करता है, बहुत गुना है। ये हम जवे की बात कर रहे हैं। जवे की बात कर रहे हैं। अब ये 1 करोड़ का 1 गया है और 1 करोड़ का 1 गया है। 2 करोड़ कितना हो गया? पता नहीं, मेरा हिसाब बहुत कच्चा है। बहुत करोड़ों की बातें हो रही हैं यहाँ पे। तो कितना करोड़ हो गया मेरा बहन? मेरा ख्याल है 47 करोड़। 47 यानी 47 करोड़ हो गया। और अब हमने ये लिया इसके अंदर से टमाटर। टमाटर? और टमाटर होना चाहिए कम से कम कितने करोड़? 4 करोड़ का। 4 करोड़? और इसमें जो फालतू चीजें है ना वो निकाल दो। एक्स्ट्रास? हाँ, वो जो आजाद होते हैं ना सारे, जिसको आजाद कहते हैं, वो निकल जाए, ताकि आपका जो है अंदर से वो एकदम बेहतरीन साफ सुथरा हो जाए। इसके अंदर थोड़ा सा आप 1 करोड़ रुपए का लाल मिर्ची पे डालो। अब कितना हो गया? बड़ा महंगा डिश है। कितना हो गया? 49 करोड़।
ये हो गया जी 49 करोड़ और ये चला गया अंदर और ये आखिरी चीज है 10 करोड़ रुपए का। फिर करोड़, वो भी 10 करोड़। 10 करोड़ रुपए का, देखो 10 करोड़ रुपए का ऐठा हुआ है, ये खुल नहीं रहा है, ये कह रहा है कि मुझे 10 करोड़ दो तो फिर मैं खोलूंगा, हमारा उधार है। अच्छा ये डिश जो है बहुत मजेदार है, लेकिन अगर इसके लिए पैसा ना हो तो भाई क्या करें? क्या करें? बैंक से लोन भी लिया जा सकता है। लोन? हाँ, और अक्सर सेनेटर दंपोख के लिए, सेनेटर दंपोख के लिए जो लोन दिया जाता है वो वापस नहीं किया जाता है। आप समझे हमारा बात बहन? और अब हमने इसको एकदम भगा दिया है और देखो धुआं निकल रहा है और 60 करोड़ लग चुका है और सेनेटर दंपोख बिल्कुल तैयार है, एक बस इसमें छोटा सा चीज डालना। वो क्या चीज? हम इसमें ये 5 करोड़ रुपए का अदरक डालेगा, 5 करोड़, क्योंकि अदरक जो है वो थोड़ा तीखा तीखा मजे का जायका देता है। इसको हमने ऐसा काटा है जैसे हम काटता है इधर उधर कचरा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब ये लग गया कितना? 65 करोड़ रुपए में बन गया है सैनिटर दंपोख। आप खुद भी खा सकते हो, बच्चों को भी खिला सकते हो और अगर चाहे तो फिर इसको खा के खूब मजा भी कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे शो में आने का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरा बहन। सैनिटर दंपोख खुद भी खाए और बच्चों को भी खिलाए और अपना मुस्तकबिल महफूज बनाए। 65 करोड़ रुपए का सैनिटर दंपोख। मुझे उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। अपने फीडबैक और कमेंट से हमें जरूर आगाह कीजिएगा bjk@sama.tv और साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज जरूर ज्वाइन करें बगैर जज्बात के। इसके साथ ही अपने मेजबान मोहम्मद रजा को इजाजत दीजिए, देखिए सोचिए और बोलिए मगर बगैर जज्बात के। हो चीनी है ना आटा है ना दाल है, हो चीनी है ना आटा है ना दाल है, बड़ी महंगाई है बुरा हाल है। ओ चीनी है ना आटा है ना दाल है, बड़ी महंगाई है बुरा हाल है। रोटी कपड़ा मकान का नारा पूरा करा दे जरदारी, अब तो अमल करा जल्दी अमल करा। ना अहल है कोई काम ये करता नहीं, कोई इदारा सही से भी तो चलता नहीं। वो पानी हो या बिजली हो या गैस हो, वो टीवी पे ही आके बस बहस हो। बैरूनी मुल्क के दौरे करके खर्चे बढ़ाए सरकारी, इसे खत्म करा, इसे खत्म करा।